वेलकम गाई माई यूट्यूब चैनल ऑटोमोबाइल मैकेनिकल ज्ञान। गाई आज हम लोग सब महिंद्रा 265 DI का एक्सल सील चेंज करेंगे, तो यहाँ से लीक जो रहा सील। तो गाई करना क्या है, पहले हम लोगों ने लिफ्ट टापा उठाया था, तो इसका लिफ्ट का प्रॉब्लम भी था। तो लिफ्ट टापा उठाने के बाद अभी एक्सल का नट लगा हुआ है जो अंदर से खोलेंगे। तो गाई हम लोगों ने पहले टायर को ऑटो लगा दिया, तो जैक भी लगा के रखा है, जैक उठाया नहीं है। पहले इसका नट भी लगा रहे हैं, चक्के का चक्का निकालेंगे। तो भाई जैक लगाने के बाद टायर फ्री कर लिया, नट पहले ढीला कर लिया था, तो अब इसका नट खोल देते हैं। माथे गिरे ही नहीं है। हाँ जी, इसका टायर निकाल दिया एक्सल का, तो अभी इसका पहले अंदर से एक्सल का नट खोलेंगे। तो भाई यहाँ पे ये नट लगा हुआ है एक्सल का, तो इसका लॉक खोल के तो नट खोल देंगे इसका। हाँ जी भाई, यहाँ पे रेंच लगा लिए थे, तो उधर से बारी लगा के तो दबा देना है। इधर से नट खोल दिया है यहाँ पे। हाँ जी भाई, नट खोलने के बाद ये 14 नंबर का बोल्ट लगा हुआ है, ये खोलेंगे। हाँ जी भाई, इसका प्लेट का बोल्ट खोलने के बाद तो इसको चोट मारेंगे थोड़े से। हाँ जी, एक्सल बाहर निकाल लिया है, तो इसका बैरिंग और सील चेंज करेंगे दोनों। एक्सल बैरिंग में प्ले है ज़्यादा, तो ये देखो आप देख रहे हो। टूटना ही है, टूट के ही निकलता फिर यह प्लेट टूट गई ना। हाँ जी भाई, 1213 नंबर का वायरिंग है इसमें, तो ये नया डालेंगे, इसमें प्ले था ज़्यादा। तो भाई इसका सील प्लेट वाशिंग कर लेंगे और एक्सल का सफाई कर लेंगे, तो नया सील और वायरिंग फिटिंग करेंगे इसमें। हाँ जी भाई, एक्सल वाशिंग करने के बाद इसका सील पहले खाली लगा के चेक करेंगे साइज पे, तो सील सही है, तो उसके बाद इसको प्लेट में बिठाएंगे, तो सील का साइज भी सही होना चाहिए, और यहाँ पे सील वर्क करता है एक्सल में, उसका साइज भी सही होना चाहिए। तो भाई साइज इसका सही है, तो इसको प्लेट में फिटिंग करेंगे। लिया नाम था। हाँ जी भाई, पहले सील बिठाने से पहले इसका नंदा बिठाएंगे, तो सील की सेफ्टी रखता है, कचरा अंदर जाने से, मिट्टी अंदर जाने से रोक के रखता है उसको। ਇਹਦਾ ਸਾਂ ਕਦੇ ਮਿੱਟੀ ਹੋਰ ਖੜਾਉਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਤਾ ਨਾ ਉਹਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰੋ जी, सील प्लेट बिठा दिया, सील फिटिंग कर दिया, तो अभी इसका बैरिंग डालेंगे 1213 नंबर का।
हाँ जी, बैरिंग लगाने के बाद ग्रीस लगा देंगे बैरिंग को, तो उसके बाद प्लेट का जैन लगाएंगे। चलो कोई ना, हाजी हाँ जी, बैरिंग फिटिंग हो गया, एक्स्ट्रा प्लेट का जैन भी लग गया, तो इसको इसमें बिठाएंगे, तो उधर से गरारी साथ में लगा के रखेंगे। तो भाई एक्सल लगाने से पहले इसका ये बुश दिया होता है जो अंदर वाले बैरिंग के साथ टच रहता है, तो इसको साथ में पहले डाल दिया है, तो अभी एक्सल को लगाएंगे। तो भाई थोड़ा बुश को ग्रीस लगा दिया, तो जो साथ में लगा रहे बाद में कोई प्रॉब्लम ना रहे लगाते हुए। तो इसका फेस साफ होना चाहिए गाइस, फेस साफ कर लिया, एक्सल लगाएंगे अभी। अंदर वाली साइड से गाइस गरारी साथ में लगा के रखेंगे। हाँ जी गाइस, गरारी में एक्सल बिठा दिया इधर से दांता, तो उधर से हाँ जी गाइस, प्लेट का बोल्ट चारों टाइट करने के बाद तो अंदर से जो नट एक्सल का खोले थे वो लगाएंगे। ये सिम दिया हुआ है इसमें, तो इसको नट को लगा देते हैं। हाँ जी, बोल्ट ऐड करने के बाद लॉक लगा देना उसको, ठीक है।